नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुणाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आप में से किसी ने मुझे कमेंट करके बोला कि भाई हमें एयर कूलर परफ्यूम बनाना है, तो वो हम कैसे बनाएं उसके बारे में वीडियो बनाओ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि एयर कूलर परफ्यूम होता क्या है। एयर कूलर परफ्यूम वो होता है जब भी हम कूलर के अंदर पानी डालते हैं, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, एयर कूलर परफ्यूम के 5 से 10 ड्रॉप उसके अंदर डाल देने। उससे क्या होगा कि आपका जो रूम है वो तो ठंडा होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ आपके रूम में बहुत बढ़िया सी खुशबू भी आएगी। तो दोस्तों, उसके लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी ऐसे वाले फ्रेग्रेंस ऑयल की, उसको सिंथेटिक ऑयल भी बोलते हैं और कुछ एसेंशियल ऑयल भी आता है इससे वाला। और उसके साथ ही आपको ज़रूरत पड़ेगी एल्फॉक्स 200 की। एल्फॉक्स 200 करके एक केमिकल आता है। तो दोस्तों, मैं आगे इसमें ये भी बताऊंगा कि अगर आपके पास ये दोनों केमिकल नहीं है तो उसके ऑप्शन में आप क्या यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या करना है, जितना आपके पास सिंथेटिक ऑयल है या फिर एसेंशियल ऑयल है उसे डबल मात्रा में लेना है आपको एल्फॉक्स 200। तो दोस्तों, इन दोनों को हम सबसे पहले मिला देंगे। यहाँ पे मैंने 5 ml लिया है सिंथेटिक ऑयल और 10 ml लिया है एल्फॉक्स 200। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सिंथेटिक ऑयल के अंदर एल्फॉक्स 200 डाल दिया है। ये बहुत ही अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो अपना जो लिक्विड रेडी हो गया है उसको एक बोतल के अंदर फिल कर लेना है। और आपको जब भी एयर कूलर यूज करते हो तो उसके अंदर पानी के अंदर इसके 5 से 10 ड्रॉप डाल देने। आपको जितना भी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस चाहिए उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। जनरली एयर फ्रेशनर रूम फ्रेशनर के अंदर यानी कि कूलर परफ्यूम के अंदर यूज होता है लवेंडर, ऑरेंज, लेमन और खस टाइप के जो भी फ्रेग्रेंस है वो सब यूज होते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो कूलर परफ्यूम है वो बनके रेडी हो गया है। मैं आपको इसके अंदर पानी डाल के दिखाता हूँ इसको यूज कैसे करना है आपको। आपको क्या करना है, इसके 5 से 10 ड्रॉप लेने हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत ले लेता हूँ यहाँ पे कूलर परफ्यूम। उसके बाद क्या करना है, इसके अंदर आपको पानी डालना है। मैं आपको यहाँ पे पानी डाल के दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा ही पानी डाल रहा हूँ। आपको क्या करना है, पूरी बाल्टी भर के पानी लेना है और उसके अंदर 5 से 10 ड्रॉप डालने हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जैसे इसके अंदर पानी डाला, इसके अंदर से बहुत बढ़िया सी खुशबू आ रही है अभी से। दोस्तों, यहाँ पे हमारा कूलर परफ्यूम बनके रेडी है। तो दोस्तों, मैंने आगे भी बताया कि अगर आपको ऐसे वाले केमिकल नहीं मिल रहे मार्केट से तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है ऑनलाइन या फिर मार्केट में जाके आपको सर्च करना है कि वाटर सोल्यूबल परफ्यूम, जो भी वाटर सोल्यूबल परफ्यूम है वो भी आप इसके अंदर कूलर परफ्यूम के अंदर यूज कर सकते हो। वैसे भी कूलर परफ्यूम में जो आता है परफ्यूम वो वाटर सोल्यूबल ही आता है। हमने जो ये सिंथेटिक ऑयल और एल्फॉक्स 200 दोनों को मिलाया वो एक तरह का वाटर सोल्यूबल परफ्यूम ही बनके रेडी हो गया है। तो दोस्तों, हमारा यहाँ पे कूलर परफ्यूम बनके रेडी है। हमें क्या करना है, जब भी हम कूलर के अंदर पानी डालते हैं तो एक बाल्टी के अंदर 5 से 10 ड्रॉप इस कूलर परफ्यूम के डाल देने। अगर दोस्तों आपको परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, रूम फ्रेशनर रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे और भी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।